मेथड ऑफ ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग मेथड क्या होता है इस बात को समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। खैर इंट्रोड्यूस तो मैंने कर दिया आपको कि मोड क्या होता है, लेकिन आप बात करते हैं ग्रुपिंग मेथड की, कि ग्रुपिंग मेथड किसे कहते हैं। मेंशन होगा पेपर में ग्रुपिंग मेथड से कैलकुलेट करो। तो बच्चे ग्रुपिंग मेथड में ना टोटल कुल मिलाकर के आपको यहां पर 6 कॉलम होगा। एक तो फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी के 6 कॉलम होंगे। से मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ। हाँ जी, ग्रुपिंग मेथड में आपको टोटल 6 कॉलम होते हैं। एक तो फ्रीक्वेंसी अपने आप में कॉलम है, तीन कॉलम हो चुका आपका, एक दो तीन, ये चौथा कॉलम है, और यहां पर ये आपका 6 कॉलम हो गए टोटल। देखो बच्चे, तो ये आपके पास में जो फ्रीक्वेंसी की बने, ये आपके पास में फर्स्ट कॉलम है ग्रुपिंग मेथड में। एक आपका सेकंड कॉलम यहां बनेगा, और सेकंड कॉलम में क्या होगा कि आपके पास में सेकंड कॉलम में आप दो दो को आप ऐड करेंगे, दो दो को, जैसे ये दो है ना, दिस वन फ्रीक्वेंसी, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो गया आपके पास में 10। अब फ्रेश टू लेने हैं, उसी को लेने, फ्रेश टू लेने हैं, दिस वन ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका 15। और यहां पर आपके पास में इसको आप ऐड करेंगे, दिस वन, तो क्या आपका आ गया, इसको ऐड करेंगे आप 42। दिख रहा है आपको? दिख रहा है। और यहां पर इसी तरीके से आप इसको ऐड करेंगे तो 29। अब आप इसको यहां पर ऐड करेंगे तो ये है आपके पास में 4। क्लियर है? अब आप यहां देखेंगे फर्स्ट और ये आपके पास है सेकंड। अब आपके पास में थर्ड, थर्ड अगर आप देखेंगे यहां पर, तो आपके पास में फर्स्ट का तो फर्स्ट कॉलम कौन सा होता है, जो फ्रीक्वेंसी होता है वही फर्स्ट कॉलम होता है। सेकंड कैसे बना, दो दो को ऐड करके, तो सेकंड का है ना सेकंड कॉलम, मतलब दो दो को वाले दो कॉलम बनेंगे। एक तो ये बन गया, अब एक छोड़ दो बाकी इस तरीके से 7 और 6 13। अब उसके बाद 9 और 20 29, और उसके बाद 20 और 24 22 और 24 46, और उसके बाद 5 और 3 8, और नीचे 1 का 2 का नहीं बन रहा ना, उसको छोड़ दो आप, 8 रहा आपका ये। क्लियर है बच्चे? तो एक का एक कॉलम जो ऑलरेडी ये बनता, दो दो फ्रीक्वेंसी को लेकर के दो कॉलम, दो को लेकर के एक का एक दो का दो, कैसे स्टार्टिंग है दो 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 दो, अब एक छोड़ करके फिर बाकी दो वैसे चला दो, लेकिन फ्रेश होना चाहिए। ये नहीं क्या ये दो लिया फिर इसी को अगले से कनेक्ट कर दिया, नहीं। अब दो दो के दो तो हो चुके, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे 3 के कॉलम। अब क्या करेंगे हम 3 के कॉलम, तो कॉलम नंबर 3 जिसमें हम क्या चलाएंगे, 3 वाले कॉलम चलाएंगे। तीन के सॉल्व करते, 3 कॉलम के हमारे पास में 7 6 13 और 3 16, क्योंकि 3 वाले में 3 लेंगे हम। उसके बाद 9 20, मतलब 10 और 20 30, और ये 2 50 और 2 51, 51 मतलब कि दिस वन, क्योंकि आपके पास में इसको 10 मान लीजिए 30 हो गया, और 30 और 20 50 2 52 और 1 माइनस कर दो 51, अब ये 3 24 और 5 29 29 और 3 32,
तो तीन वाले तीन कॉलम बनेंगे, व्हाइट ही सबसे बेटर लग रहा है मेरे को तो इसमें, देख लेते। कॉलम नंबर फोर, और फोर में क्या रहेगा बच्चे, वही एक छोड़ दो तो 7 6 13, 13 और आपका 9 22, उसके बाद फिर आपके पास में 20 और 22, 42 42 और 20 आपके पास में, 62 62 और 4 आपका 66, 5 3 8 और 1 9, तो आपके पास है फोर्थ, हो गया ना आपके पास पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फोर्थ था ये फिफ्थ था, आप सिक्स सही है। थोड़ा मैं इसको इरेज कर देता हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये मेरे पास में फोर्थ, ये फिफ्थ, अब मैं सिक्स कॉलम बना रहा हूं। दो का तीन तीन का ले लिया था मैंने, 16 ठीक है, हाँ एक छोड़ के हमने बना लिया ना इसमें सात करके, ठीक है बच्चे। अब क्या करेंगे हम यहां पर, पहले तीन का स्टार्टिंग से ले लिया, फिर एक छोड़ के ले लिया, अब उसके बाद फिर अब दो छोड़ देंगे, दो छोड़ देंगे मतलब ये और ये छोड़ देंगे, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो 15 और आपका 20, तो आपके पास में 35, 35 ठीक है। अब उसके बाद हम इसको लेंगे तो आपके, सॉरी इसको लेंगे, इसको लेंगे तो आपके पास में 20 और 20 40 और 44 और 46 46 और 5 51, क्लियर है बच्चे। अब मैं फिर से रिपीट करता हूं, बेसिकली मैंने क्या करा उसको ध्यान से सुनिएगा। हम मोड निकालने के ग्रुपिंग मेथड के ऊपर हैं, और मोड निकालने का ग्रुपिंग मेथड किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे मैं बात उसकी कर रहा हूं। तो सबसे पहले आपके पास में एक क्वेश्चन होगा, जैसे कि आप सीरीज देख पा रहे हैं कि आपका डिस्क्रीट सीरीज है, जिसमें कि आपके पास में डेटा है और उसकी फ्रीक्वेंसी है कि 56 इंच वाले कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, 58 इंच वाले कितने हैं, 7 हैं और 59 वाले 6 हैं, तो फ्रीक्वेंसी है। तो जो ये फ्रीक्वेंसी होती है, ये सबसे पहले फर्स्ट कॉलम होता है आपका। अब उसके बाद हम सेकेंड कॉलम बना रहे हैं तो दो फ्रीक्वेंसी को लेके बनाएंगे, और सेकेंड कॉलम बना रहे हैं ऐसे दो कॉलम बनेंगे सेकेंड वाले, तो पहले ये दोनों, फिर फ्रेश टू, ये दोनों, फिर ये दोनों नहीं, ये दोनों और ये दोनों नहीं, ये दोनों, फिर फ्रेश टू, फ्रेश टू, फ्रेश दो डेटा, फ्रेश दो डेटा, ठीक है। ऐसे हमने बना लिया सेकंड कॉलम, बट सेकंड कॉलम तो दो वाले दो बनेंगे, तो अगला बनाएंगे कैसे, बस एक छोड़ दो, फिर से दो दो एज इट इज लेते हुए चलो। अब इसका साथ दो नहीं है, इसको छोड़ दो, एक को नीचे बना दिया आपने, दो वाले दो, अब तीन वाले बनाएंगे, दो वाले दो कॉलम खत्म, अब तीन वाले बनाएंगे। तीन वाले कैसे, वही स्टार्टिंग के तीन ले लेंगे, फिर फ्रेश थ्री ले लेंगे, फिर फ्रेश थ्री ले लेंगे, जब उसका नहीं बन रहा तीन के साथ तीन का ग्रुप तो छोड़ देंगे उसको। फिर अब तीन वाले तीन ग्रुप बनाने हैं, एक ही तो बनाया अभी, उसका एक छोड़ देंगे, फिर तीन ले लेंगे, फिर तीन, फिर तीन, अब फिर उसका एक और बनाएंगे, फिर उसका दो छोड़ देंगे। तो इस तरीके से आपका एक वाला मतलब फ्रीक्वेंसी अपने आप में एक कॉलम है, दो वाले दो बना देने हैं और तीन तीन फ्रीक्वेंसी को लेकर के तीन बना देने हैं। तो इस तरीके से टोटल कितने नंबर ऑफ कॉलम्स आपके हो जाएंगे, आपके 6 कॉलम्स यहाँ पर हो जाएंगे। क्लियर है बच्चे, ये बात आपको समझ में आ गई। अब सबसे पहले आप देखेंगे कि फर्स्ट, अगर आप इसको ग्रुपिंग मेथड में लेके जा रहे हो तो थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूं, एक ही पेज पे हो जाए तो बेटर है। हाँ जी बच्चे, अब आप यहां देखें, ग्रुपिंग मेथड में दो काम करते हैं, एक तो हम डेटा लिख देंगे इस पे, क्योंकि जरूरत क्या, सबसे पहले देखिए क्या करो, आप डेटा लिख दो आप अपने, सबसे पहले इंचेस, तो आपके पास में क्या क्या है, 56 58 59 60 61 68 तक, 59 60 61
62, 63, 64, 65, 66, 67 एंड 68। और कॉलम कितने हमारे पास में? कॉलम हमारे पास में 6 है। तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सिक्स कॉलम, और यहां पे क्या आएगा? टोटल। ठीक है, तो अब हमारे पास में बस, अब इनको ड्रॉ कर लीजिए आप। ये हो गया। फिफ्टी सिक्स, फिफ्टी सेवन, 56, 58, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 एंड 68। ये कुछ इस तरीके से ग्रुपिंग मेथड, वो मेथड सीख लोगे इजीली है, आ जाता है भाई पेपर में कई बार। लेकिन स्टैट्स में एक चीज है कि आपको मार्क्स पूरे मिलते हैं। कारण ये है क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेटर के कैलकुलेटर आपका रहता है, तो बड़े बड़े कैलकुलेशन में एरर नहीं होता है, और जो एक सिंपल फॉर्मूला है वो लगाओ और अपना आंसर निकालो। बाकी थ्योरी सब्जेक्ट में तो आप 100 का करके आ रहे हो, आप कुछ भी नहीं कह सकते कितने उसमें मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर 50% ही मिले तो आपका परसेंटेज बहुत डाउन हो गया, इसमें 70% मिल गए तो बाकी दो पेपरों का आपको पार कर देगा ये। चलिए अब मैं यहाँ पे कुछ डेटा की बात करता हूँ। आइए फर्स्ट कॉलम की, तो हाइएस्ट क्या फर्स्ट कॉलम है भैया? फर्स्ट कॉलम में हाइएस्ट के ऊपर फोकस करते हैं, 24 जो कि 63 है फर्स्ट में। तो फर्स्ट में 63 है, इसका मैं लाइन कर देता हूँ दिस वन। हाँ जी, तो सेकंड कॉलम में हाईएस्ट क्या है? सेकंड कॉलम में हाईएस्ट है भैया 46। 46 किसके आगे है? 62 से 63, 62 और 63 तक है। क्लियर है? 62 से 63 तक सेकंड में, 62 और 63, ये है हाईएस्ट। थर्ड कॉलम में हाईएस्ट क्या है आपके पास में? थर्ड कॉलम में आपका हाईएस्ट है भैया आपके पास में 46। कितने डेटा को लेकर बना रहा है? दो डेटा को लेकर बना रहा है, 62 एंड 63। तो अभी हुआ था ना हमारा 61 एंड 62 था, एक सेकेंड होल्ड करूं। कॉलम टू में हाईएस्ट क्या है हमारा? 42, जो 61 एंड 62 था, 61 एंड 62 था फर्स्ट में, सेकेंड में। और थर्ड में हमारा हाईएस्ट क्या है? थर्ड में हमारा हाईएस्ट है भैया 46, जो कहां से कहां तक है? 46, 62 से 63, 62 से 63। क्लियर है बच्चे? अब मैं बात करता हूं यहां पर कि हमारे पास में थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम भी किसका है हमारे पास में? अब यहां पे तीन का है, हाईएस्ट का 51। 51 कहां से शुरू हुआ? 51 पहले तीन पे तो ये होगा, ये यहां से हुआ होगा 51। हाँ, तो 60 से 62 है फोर्थ में, 60 से 62 है। ठीक है बच्चे, तो अब उसके बाद हमारे पास में फिफ्थ कॉलम में हमारे पास में क्या डेटा है? 66 हमारे पास में है। तो ये एक और ये दो मतलब 61 से 63 तक। और उसके बाद हम बात करते हैं सिक्स कॉलम, तो कौन सा है आपका? 51, तो लास्ट के तीन, 63 से 66 तो नहीं हो सकता ना, लास्ट वाले में दिस वन, एक दो, 62 से 64 था, 62 से 64।
62 से 64, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर आपके पास में हाईएस्ट कौन सा हुआ आपका सबसे ज्यादा, तो यहां तो आपके पास में ये आपका एक ही हुआ टोटल, ये एक दो तीन, और ये आपका एक दो तीन चार पांच, और ये आपके पास में एक दो तीन चार, और ये आपस में एक, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, पांच, तो कौन सी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, 62। तो यहां पर आपका जो मोड है वो क्या आया, आपका मोड जो है वो 62 है, यही आपका क्या है फाइनल आंसर है। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुपिंग मेथड। 65 और 66 नहीं है, कोई बात नहीं, उसको मैं रखा भी नहीं है, कोई बात, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो गलती से हो गया बट उसका फर्क भी नहीं पड़ेगा। हाँ जी, तो आंसर क्या है मेरा, 62 मेरा क्या है फाइनल आंसर है, ठीक है बच्चे। तो मोड क्या हुआ हमारा, हमारा मोड हुआ 62, हमारा आंसर है, क्लियर है बच्चे, समझ में आ गया, पता है 65 और ये सारी चीजें नहीं थी, तो बट कोई बात नहीं, ये समझ में आपको आ गया कि आखिरी के तीन में कौन से थे हमारे पास में, ये एक ये दो, 62 से 64 तक, ठीक है, क्लियर है। तो 62 हमारे पास में हाईएस्ट जिसकी फ्रीक्वेंसी वही हमारा आंसर है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रुपिंग मेथड। इस मेथड को अच्छे से देख लो, रिवाइज कर लो। अब मैं कंटिन्यूस सीरीज की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आप जरा इस ग्रुपिंग मेथड को देख लीजिए एक बार। सर थर्ड कॉलम दोबारा बता दो, ठीक है, देखो थर्ड कॉलम देखो, देखिए बच्चे क्या हुआ, फर्स्ट कॉलम क्या है, जो गिवन है फ्रीक्वेंसी वही है, सेकंड कॉलम, सेकंड की बात कर रहा हूं, दो फ्रीक्वेंसी लेना और ऐसे दो कॉलम बनाना, तो कॉलम नंबर टू कॉलम नंबर थ्री, दो फ्रीक्वेंसी लिया, ये दो फिर ये दो फिर ये दो फिर ये दो फिर ये दो, अब अगले में भी दो लेना है तो आप वही चीज लेंगे तो फिर वही कॉमन चीज आ जाएगी, इसको एक को छोड़ दो पहले को, फिर वही दो फिर दो फिर नए दो फिर नए दो फिर नए दो, हो गया। अब आपके पास में दो के दो फ्रीक्वेंसी के दो कॉलम बन चुके, खत्म। अब उसके बाद आगे आप तीन फ्रीक्वेंसी लो और ऐसे तीन कॉलम बनाने हैं, तो पहले तीन फिर नए तीन फिर नए तीन फिर एक छोड़ करके फिर तीन फिर दो छोड़ करके फिर तीन तीन का ऐसे, और आपको फिर टेबल कैसे बनाना है, जो डेटा है उसको आप एज अ हॉरिजॉन्टल आप जो है ऐसा रो वाइज रखें, और जो आपके पास में कॉलम है उसको आप इस तरीके से रखें, कॉलम को आप ए वन टू थ्री करके रखें और आप डेटा को ऐसे रख दें, ठीक है। और इसमें आप देखें कि फर्स्ट में जो हाईएस्ट है उसमें मार्क करें, सेकंड में जो हाईएस्ट है उसमें मार्क करें, और मार्क करके इनका टोटल कर दें, और सबसे ज्यादा किसके पास में वो डेटा ही आपका आपके लिए क्या रहने वाला है, मोड रहने वाला है। तो यहाँ पर 62 में 62 आपका क्या मोड है, क्लियर है बच्चे।